देश के सातवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज कांग्रेसियों ने रीवा के सिरमौर चौराहे में जाकर जहां उनकी प्रतिमा लगी हुई है उनको याद किया, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फूलमालाएं अर्पित की। हम आपको बता दें, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने 40 साल की उम्र में प्रदेश की बागडोर संभाली थी, आज उनकी पुण्यतिथि। देखिए हमारी विकास रिपोर्ट। राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था, अर्थात देश की आज़ादी के 3 साल पहले राजीव गांधी इस दुनिया में आए। उनकी मौत 21 मई 1991 को एक हादसे में हो गई थी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े बेटे राहुल गांधी, छोटे बेटे संजय गांधी की मौत एक हवाई दुर्घटना में काफ़ी पहले ही हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के दोहित नाती भारत के सातवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के बाद उनकी पत्नी का नाम बदलकर सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी से उनकी मुलाकात जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब हुई थी। उनकी शादी 1968 में ही हो गई थी। उसके बाद वो भारत में रहने लगी थी। राजीव व सोनिया के 2 बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ, प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ, जो आज की तारीख में कांग्रेस की बड़ी नेता। पिछले दिनों कर्नाटक में जिस तरीके से बहन और भाई राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया, उसकी वजह से कर्नाटका में कांग्रेस सत्ता में आई। राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर 20 अगस्त सद्भावना दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज थी 21 मई उनकी शहादत का दिन। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रीवा के सिरमौर चौराहे में काफ़ी तादाद में कांग्रेसी एकत्र हुए, उन्हें याद किया। राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता, जो आज तकनीक के रूप में भारत विकसित हुआ है, खास तौर से कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति उन्हीं की ही देन। राजीव गांधी की मौत चुनाव के प्रचार के दौरान 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर साहब तमिल इलम नामक एक आतंकवादी संगठन ने आतंकवादियों के द्वारा राजीव गांधी को एक बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था। तब से हर साल 21 मई को राजीव गांधी को याद किया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। रीवा शहर के जिला और कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में रीवा शहर के तमाम लोग एकत्र हुए। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया। बस देखिए, राजीव गांधी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। हमारे पंडित नेहरू अगर आधुनिक भारत के निर्माण करता थे तो राजीव गांधी आधुनिक भारत जो तकनीकी ज्ञान से लैस था उसके प्रणेता थे। और आज जो भारत जिस प्रगति पथ पर चल रहा है और पूरे विश्व में अपनी धाक जमा चुका है, अपनी तकनीकी कौशल के बल पे जो भारत के युवा पूरे विश्व में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए किसी को अवश्य जाता है तो राजीव जी को जाता है, जिन्होंने इस देश को नए दिशा दी और एक नई क्रांति दी। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के अंदर सद्भाव के लिए, देश के अंदर वैमनस्यता की समाप्ति के लिए राहुल गांधी जी ने अपनी जान दे दी। उनके शरीर के उतने टुकड़े हुए कि कोई अंत्येष्टि भर को उनके परिवार को नहीं मिला, पर धन्य है वो परिवार जिसने राहुल गांधी जैसा रथ भारत को दिया। हम सब जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं अपने सभी साथियों के साथ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री को हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।